देखिए असम में जब आते हैं जब ऐसा लगता है कि घर जैसा एक माहौल रहता है, इतने लोगों का प्रेम है, मान है, सम्मान है, लोगों को एक तरह से परिवार से जो मिलते हैं उस तरह का एक माहौल यहाँ हरदम रहता है। आज हमारा कार्यक्रम, हम यहाँ से नौगांव जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा 300 से ज़्यादा किलोमीटर चल चुकी है और आपने देखा कि बहुत सारे लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे लोग जिनका कोई कांग्रेस पार्टी से दूर दराज तक लेना देना नहीं है, यूथ हैं, महिलाएं हैं, गरीब है, वो इस यात्रा के साथ जुड़ रहा है और ये यात्रा एक तरह से बहुत ही बड़ा एक सक्सेस रही है और हमें उम्मीद है कि जो यात्रा का उद्देश्य है जिससे हम असम की को जोड़ पाएंगे, असम की जो समस्याएं हैं, जो यहाँ प्रॉब्लम्स हैं असम की, महिलाओं के लिए है, महंगाई की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, तो जो वादे करे हैं इनने पिछले घोषणा पत्र में वो पूरे होंगे, ये सरकार की आंखें खुलेंगी, ये जो सोई हुई सरकार है ये उठेगी, जागेगी। और आज का तोहफा सुबह का ये मुझे मालूम पड़ा, मुझे बताया गया कि आज लगभग 80 पैसे आपका बिजली का जो दर बढ़ाया है ये बहुत ही दुखी बात है। वैसे ही इतनी महंगाई है, वैसे ही बिजली इतनी महंगी है, उसके ऊपर एक और मार इनने असम की जनता के ऊपर डाली है। असम में भारत जोड़ो यात्रा का जो आप लोगों ने एक मुहिम तैयार किया है, किस तरह का स्ट्रेटेजी रहेगा यहाँ पे? देखिए ये कोई कांग्रेस पार्टी अकेले का या कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये असम का जो पिछले 6 साल के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बोली के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो असम को तोड़ा जा रहा है, अलग अलग नज़ारे से अलग अलग लोगों को देखा जा रहा है, उसके खिलाफ उसको जोड़ने की ये हमारी यात्रा है। सोनापुर में सोनापुर पंचायत की तरफ से आपको जो ये फेलिस्टेशन किया गया, सके सके क्या बोलो? देखिए हमें तो बहुत ही खुशी है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका मैं देता हूँ और यहाँ के जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव साहब हैं उनको नेशनल अवार्ड्स तक मिले हैं, तो ये इनको मैं एक दिन बुलाऊँगा, बात करूँगा इनसे और इनका एक तरह से ट्रेनिंग करवाएंगे कि बाकी असम के जो हमारे कांग्रेस के जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से उनको अच्छा काम ऐसे करा है, चाहे प्लास्टिक का हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हो, महात्मा गांधी जी की स्टैचू लगाने की बात हो, बहुत सारा इन्हें काम करा है, ऐतिहासिक काम करा है। थैंक यू सो मच।